मैं अकरमुज्जमान मुल्ला, घर असम, धुबरी ज़िले। ये मेरा बड़ा भाई। 7 सितंबर को मेरे भाई बड़ा भाई को बुखार, तेज़ बुखार और सर में दर्द था, वोमिटिंग भी हुआ था। हम लोकल डॉक्टर को दिखाया, फिर लोकल डॉक्टर ट्रीटमेंट करने के बाद कुछ पता नहीं चला। बाद में हम गुवाहाटी अपोलो हॉस्पिटल गए थे, उधर 10th को हम एडमिशन हुआ और उसमें MRI वगैरह करके पता चला लेफ्ट टेम्पोरल जोन में ग्लायोमा हुआ। हम ग्लायोमा के बारे में पूछताछ किए तो पता चला ये बहुत डेंजर बीमारी है। बाद में हम डॉक्टर अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर, न्यूरो सर्जरी डॉक्टर ने बोला था उधर ही ऑपरेशन जल्दी करने का, पर हम नहीं किया। बाद में हम अपोलो कैंसर सेंटर टेनमपेट में गए थे चेन्नई, उधर अनफॉर्चुनेटली कोविड पॉजिटिव हुआ और आइसोलेशन में रहा। बाद में आइसोलेशन ख़त्म होने के बाद हम फिर घर गए, ऑपरेशन नहीं करा। घर जाकर थोड़े दिन हम नेट में सर्च किया कौन सा डॉक्टर अच्छा है। दिल्ली में हम करने के सोचा था, इसलिए दिल्ली के बारे में सर्च किया और डॉक्टर आदित्य गुप्ता सर के बारे में YouTube में बहुत वीडियो देखा और हमने फेद किया। उसी के सिलसिले हम 19 अक्टूबर को आर्टेमिस हॉस्पिटल आया और 20 अक्टूबर को डॉक्टर मिला। डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट था। डॉक्टर MRI की फिल्म देखने के बाद बोला ये तो कोई डेंजर नहीं है शायद, तो MRI करने के बाद पता चलेगा। और उसी सिलसिले MRI हुआ और डॉक्टर बोला सिंपल ऑपरेशन है, थोड़े से काट कर ये ट्यूमर निकल सकते हैं। हम हमारे पास मिस्टर सोफियुज़्ज़मान आए थे।